माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, मेरे बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं आज, और मेकअप ज्वेलरी सब कुछ एकदम टिप टॉप लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंका और आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस से लेके आए हैं एक फेस्टिवल स्पेशल वीडियो, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं हमारे बालों की। स्पेशली गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, ताकि आपको इस फेस्टिवल सीजन अपने बालों की पोनी या फिर बन ना बनाना पड़े, आप उन्हें अच्छी तरीके से खुले रख के फ्लॉन्ट कर सको, उसके लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो आप जब भी किसी लड़की को सैलून में से बाहर निकलते देखते हो, तो आपके मन में बस एक ही ख्याल होता है कि यार इसके बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, जैसे कि इसने कौन सा ट्रीटमेंट करवाया होगा और उसमें पैसे कितने लगते हैं। सबसे मेन तो यही होता है कि वो कितना ज्यादा खर्चीला है, कितने पैसे लगने वाले हैं, और उसके साइड इफेक्ट कहीं हमारे बाल और भी ज्यादा ड्राई, डल, फ्रिजी ना हो जाए। बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए तो आप केराटिन करवा सकते हो, लेकिन अगर आपके बाल थोड़े बहुत ड्राई, फ्रीजी और डल हो गए तो आपको केराटिन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी केराटिन स्मूथनिंग सारी प्रोसेस में ना बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर आपके बाल थोड़े बहुत ड्राई डैमेज हो चुके हैं तो आप हेयर स्पा करवा सकते हो, जो कि आप एक या दो महीने में करवा सकते हो। लेकिन आई नो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि हर एक दो महीने में हेयर स्पा करवाना, उसमें भी तो पैसे ही लगते हैं ना, चाहे कितना भी सस्ता हो लेकिन जाने तो वाला ही है ना पैसा। फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे बैठे बैठे हेयर स्पा कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा सस्ते में। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ न्यूड की 10 मिनट DIY एडवांस हेयर स्पा किट के बारे में। इसमें भी चार शेषे होते हैं, जैसे हम पार्लर में जाते हैं तो वो हमारे 3-4 स्टेप में हेयर स्पा करके देते हैं, हम घर पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे विद न्यूड की हेयर स्पा किट। इसका पहला स्टेप होता है हेयर स्क्रब, जिसमें है टाइनी कॉफी बीट जो कि आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है। सेकंड स्टेप होता है शैम्पू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना डर्ट और पॉल्यूशन से होने वाले डैमेज से बालों को प्रोटेक्ट करता है। इसका थर्ड स्टेप है कंडीशनर, जो कि हमारे बालों को शाइनी और बाउंसी बनाता है, और हाँ, कंडीशनर को हमेशा ना बालों की लेंथ पे ही अप्लाई करना चाहिए। इसका लास्ट स्टेप है सीरम, जो कि हमारे बालों को डेली होने वाले डैमेज से बचाता है और उन्हें शाइनी रखता है। आसानी से हो गया और आप खुद इसका यूज करके अपना हेयर स्पा कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। तो बस अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन अपने बालों को फ्लॉन्ट करना चाहते हो तो जल्दी से घर ले आओ न्यूड का ये हेयर स्पा किट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके जल्दी से चेक करो और जल्दी से परचेज करो, और इस फेस्टिवल सीजन अपने बालों को फ्लॉन्ट करके बस छा जाओ पूरी दुनिया पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।